Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So today we will discuss the next segment of this this poem, poem number 3 of Flamingo, The Keeping Quiet from the Pablo Neruda. So as we all discussed before in the previous section, in the previous video about this lesson, about this poem, that Pablo Neruda is the most beautiful, most creative poet ever. और हम ये कह सकते हैं कि वो अब तक के सबसे क्रिएटिव थॉट जो अभी तक मैंने पढ़ा है उसमें मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने सबसे अलग जो थॉट था वो इन्होंने लिखा था. और सिंपली मेरा एक चीज़ मानना है कि पाब्लो नेरुडा ने जो सिखाया, जो थॉट बताया, दैट इज़ क्रिएटिव, दैट इज़ रियली रियली ब्यूटिफुल एट हिज ओन. सो पेज नंबर 96, ओपन योर बुक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, पेज नंबर 96, एंड वी विल डिस्कस द brief section of that. So now open this book. Good morning, class. I hope you all are very good and fine. I'm sorry I'm late today. So basically, today we will discuss, I have told you before now. So page number 96, those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about their friends and inside the shade and doing nothing. इस टॉपिक को हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है, जिसमें कि हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि अगर लाइफ में हर एक इंसान अगर कुछ टाइम के लिए अपने लाइफ को रोक ले या स्टॉप कर ले, या बिल्कुल ऐसा सोचे कि वो कुछ नहीं कर रहा है, वी आर डूइंग नथिंग एंड जस्ट टेकिंग अ बिट ऑफ ब्यूटिफुल लाइफ, एंड वी ऑल नो दैट लाइफ इज़ ब्यूटिफुल इफ 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 वी हैव नॉट टू वर्क, इफ वी हैव नॉट टू स्ट्रगल, इफ वी नॉट टू सी द दोज पीपल हु लेट अस फील बैड. सो बेसिकली उन लोगों की वजह से हमें अपनी लाइफ और डिफ़िकल्ट लगती है, जिनके वजह से हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें हमें लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है वो सारी चीज़ें. तो लाइफ हमें तभी बुरी लगती है जब हमारे एक्सपीरियंसेस बुरे होते हैं, ठीक है. तो अगर आपके आसपास की एनवायरनमेंट अच्छी है, अगर आपके आसपास के लोग अच्छे हैं, तो भले ही आपकी सिचुएशन जैसे भी हो,
आप अच्छे रहोगे, आपके अंदर की जो विल पावर है वो अच्छी बनी रहेगी। पर वहीं अगर आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बुली करते हैं या आपको परेशान करते हैं या आपको टॉर्चर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा थॉट आपके माइंड में आ जाता है कि नो, दिस इज़ नॉट गुड एंड दिस इज़ नॉट राइट एंड वी शुड नॉट डू दैट, राइट? कि हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ऑल द पीपल्स आर लाइक दिस। सो इस वजह से कहा जाता है, इनके पैब्लो नेरुडा के थ्रू ये चीज़ कही जा रही है कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिसमें सारे वॉर्स को ख़त्म करो, सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करो, नो एनिमल किलिंग, नो नथिंग। हम अपने दुख को देखें, अपने हार्डवर्किंग हैंड्स को देखें, हम उन चीज़ों को देखें जिससे हमें हमारी अहमियत पता लगे, जिससे हमें हमारी इम्पोर्टेंस, हमारी ब्यूटी, ये सारी चीज़ें पता लगें। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पैब्लो नेरुडा के बारे से के थ्रू बताई गई हैं। व्हाट आई शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, मतलब इनका ये कहना है कि मैं सिंपल से ये कहना चाहता हूँ कि मैं इनएक्टिविटी चाहता हूँ, मतलब हम कुछ ना करें, जस्ट वी शुड डू नथिंग, हम कुछ ना करें, जस्ट टेक द रेस्ट एंड टेक थॉट बिकॉज ऑफ अस एंड थॉट अबाउट अस। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी लाइफ के बारे में कम सोचना चाहिए, हमेशा हमें हरी और रश में नहीं रहना चाहिए लाइक द एवरी पीपल, क्योंकि लास्ट में सबको क्या चाहिए, लास्ट में सबको चाहिए लाइफ में पीस। भले सबकी एक्सपेक्टेशंस लाइफ की अलग होती हैं, कुछ लोग एडवेंचरस लाइफ चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ उनकी लाइफ में बिल्कुल सिंप्लिसिटी जैसी चीज़ें रहें, जस्ट लाइक द स्टेबल लाइफ, कि हाँ उनके पास जॉब हो, फूड हो, फैमिली हो, लाइक दिस। बट वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडवेंचरस करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, लाइक द एयरफोर्स, कोस्टल गार्ड्स, BSF, CRPF, पुलिसमैन, डॉक्टर्स, देर आर सो मेनी फील्ड, रिसर्चर्स, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, ऐसे लोग हैं जिनका काम देख कर हम पीछे हट सकते हैं, हम डर सकते हैं ईजीली। तो हम कह रहे हैं कि मेरा सिंपली ये चीज़ समझाने का ये मतलब है कि यहाँ पे राइटर का ये समझाने का मतलब है कि लाइफ व्हाट इज़ अबाउट, मतलब लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, मतलब जो हमारी लाइफ है वो इनएक्टिविटी, मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल मोशनलेस होके पड़े रहो एक जगह पे ताज़ ज़िंदगी तो वो आपके लिए आप पीसफुल हो जाएगा, नो। बट लाइफ में ब्रेक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक इंसान को। अगर कोई भी इंसान लगातार लाइफ में काम करता रहेगा या पूरी ज़िंदगी काम करता रहेगा, हर एक इंसान को स्कूल्स में छुट्टियाँ दी जाती हैं, ठीक है, ऑफिस में छुट्टियाँ दी जाती हैं, वर्कर्स को छुट्टियाँ दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इंसान ब्रेक लेता है, उसमें खुश होता है, अपने आप को बेटर फील कराता है और फिर काम पे वापस आता है। तो यही चीज़ सिखाता है पैब्लो नेरुडा के थ्रू कि हम सबको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, उस ब्रेक में अपने आप को सबसे ज़्यादा चेयर अप करना चाहिए और अपने थॉट को और ब्यूटीफुल बनाना चाहिए और लाइफ में और हैप्पीनेस डालनी चाहिए अपने, क्योंकि वी ऑल नो दैट द होल पीपल, द होल वर्ल्ड इज रनिंग टूवर्ड ईच एंड एवरी वन, दे जस्ट हैव द रश एंड दे आर गेटिंग लेट फॉर एनी वन, दे आर लेट फॉर रीचिंग फॉर एनी प्लेस। तो कह सकते हैं कि हर एक इंसान बहुत जल्दी में है और जब हम जल्दी में होते हैं तो हमारा माइंड प्रॉपर वर्क करना बंद कर देता है, राइट? सो पैब्लो नेरुडा का सिंपल ये चीज़ कहना है कि वी शुड टेक रेस्ट, वी शुड टेक ब्रेक, इन दैट हमारा जो बॉडी है, मेटाबॉलिज्म है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगी, तो उससे क्या है, हमें एक छोटा सा पीरियड ही भले मिलेगा पर वो पीसफुल होगा हमारे माइंड और बॉडी के लिए। सो नाउ आगे, आई वॉन्ट नो ड्रग विद डेथ्स इफ वी वर नॉट टू सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। मतलब इनका ये कहना है कि मैं चाहता हूँ कि किसी भी ट्रक से किसी की डेथ ना हो, और इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, मतलब अगर हम अपना माइंड फोकस नहीं करेंगे किस एक चीज़ पर तो हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। सो सिंपली कहने का ये मतलब है कि हर एक इंसान बहुत रश में है, बहुत जल्दी में है, और
जिस तरीके से मैं जल्दी में हूँ उसी तरीके से मेरा सामने वाला भी जल्दी में है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या है, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, चाहे वो कार एक्सीडेंट हो, ट्रक एक्सीडेंट हो या जो भी हो, ये सारा इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। सो बेसिकली कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर ये सारी चीज़ें ऐसी होती रहेंगी तो न जाने कितनी सारी डेथ्स का, कितनी सारी बुरी प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ सकता है। नाउ perhaps the can teach us as when everything seems dead and later proves of to be alive. मतलब इस चीज़ से कहीं ना कहीं अगर हम कुछ सेकेंड के लिए अपनी लाइफ को क्या करते हैं, चेयर अप करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें सिंपली ये होगा कि हमारे लाइफ में डेथ्स रुकेंगी, एनिमल किलिंग रुकेगी, हर एक इंसान अपने आप में चेयर अप और बूस्ट अप हो जाएगा, और अर्थ भी हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज सिखाएगी कि हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ डेड है पर कहीं ना कहीं वो अलाइव है। जैसे अगर आप कोई सीड है अपने घर पे रखते हो तो दैट इज सीड, पर वहीं आप अगर उसे सॉइल में रखते हो तो वो कहीं ना कहीं अलाइव हो जाता है, फिर से उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अर्थ हमें क्या सिखाता है, एक बहुत बड़ा सा एक थॉट और एक कह सकते हैं एक आइडिया देता है कि हम सब में कहीं ना कहीं एक थॉट है। नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। मतलब इन्होंने कहा लास्ट में कि अब मैं क्या करूँगा, 12 तक गिनूँगा और आप शांत रहेंगे और मैं चला जाऊँगा। सो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कीपिंग क्वाइट इन विच वी लर्न फ्रॉम द पाब्लो नेरुडा अबाउट कीपिंग क्वाइट। सो बेसिकली कह सकते हैं कि पाब्लो नेरुडा के थ्रू हमने एक चीज़ सीखी। क्या सीखा, कि पाब्लो नेरुडा ने हमें ये सिखाया कि किस तरीके से हम शांत रहकर, स्टेबल रहकर, कुछ सेकंड्स के लिए बिना मूवमेंट किए अगर हम रहे तो हम अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हाँ, वो भले कुछ ही मिनट्स के लिए हो पर वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। Every second the people are killing the animals, every second the people are just going for the brush, and every second of the world people are dealing with death and people are dealing with terrible times and situations. तो वहीं अगर हम कुछ seconds के लिए रुक जाएं, थम जाएं और अपनी situations को समझते हुए आगे बढ़ें तो that will be beautiful and that can change our mind, our thoughts, our situation, our earth improvement and everything, right? तो ये इसीलिए मैं कह रही थी कि ये पाब्लो नेरुडा की सबसे अलग, सबसे डिफरेंट और कह सकते हैं कि सबसे अच्छी एक क्रिएटिव जो पोएम थी मैंने आज तक पढ़ी, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी एंड इट कैन केम, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से आ सकता है। हम लोगों ने एक एक लाइन बहुत ब्यूटिफुली तरीके से एक्सप्रेस की हुई है तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको इसको पढ़ने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ओके, सो जस्ट रीड अबाउट द पाब्लो नेरुडा अबाउट। हम लोग पाब्लो नेरुडा के बारे में सबसे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, इट इज़ द पार्ट 5 नाउ। सो सबसे पहले हमने डिस्कस ये किया था कि पाब्लो नेरुडा को 1971 में नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला था फॉर द लिटरेचर। ठीक है, तो लिटरेचर के लिए पाब्लो नेरुडा को मिला था अवार्ड, इट मींस ही इज़ द बेस्ट एंड द फेमस राइटर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, राइट? सो इस पोएम का जो भी थॉट आपने सीखा उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, बट प्रेफर इंग्लिश। आप प्रेफर करें कि आप इंग्लिश में ही उसे लिखें एंड लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों का जो इतने टाइम से जो एजुकेशन का जो कनेक्टिविटी टूटा हुआ है, क्योंकि बहुत टाइम से आई डोंट थिंक कि आप लोगों में से किसी ने भी पेन उठाई होगी, सो बेसिकली उसकी वजह से मैं सिंपली ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को इस साल भी वैसे ही कोविड के वजह से पास हो जाओ, भले पास हो जाओ बट नेक्स्ट ईयर आप लोग को बोर्ड एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर आप लोग को ग्रेजुएशन या फिर किसी ऐसे सेक्टर में जाना होगा जो कि आप लोग हाई एजुकेशन होगी इससे, एंड डोंट टेक इट ईजी, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल और स्कूल लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो यू शुड प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ। सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट इन टू द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू क्लास।